हमारे साथ यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद हैं जो स्पॉट पे आए, मौके पे उन्होंने सब कुछ देखा। मैं चाहूँगी कि उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करूँ। अयाज साहब, आप मौके पे आए, आपने उस वक्त क्या देखा? यहाँ पर चारपाई मौजूद थी, क्या सीन था? डेड बॉडी थी या बच्चे की सांसें थी अभी? नहीं, वो एक्सपायर हो गया था। अच्छा। उसको हमने फिर शिफ्ट किया है, पीएफएसए वालों को बुलाया है, जो भी इधर से हमें शवाहद मिले हैं, ये इधर से तीन हॉल मिले हैं हमें पिस्टल 30 बोर के, इसके अलावा जो ब्लड वगैरह है वो हमने सामना सिक्योर किया है, और डेड बॉडी को उधर हॉस्पिटल में पहुँचाया है, पोस्टमार्टम उसका करवाया है। अच्छा अच्छा, फयाज साहब मुझे एक और चीज़ भी बताइएगा कि ये कोई पुरानी दुश्मनी है, ये बंदा 8 FIR है इसके ऊपर जो मुलजम है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ये ना 2 दिन पहले ना इसका घर के बाहर ही ना, इस घर के बाहर इनकी कोई जगह है उधर, इन्होंने ना जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे मकान की, कुछ मटेरियल मलबा वगैरह था उधर फेंका हुआ था, उसी वजह से उसके साथ कोई ना थोड़ी सी ना तू तकरार हुई है मकतूल के साथ, इसी के जहन में वही चीज थी। इसने फिर क्योंकि घर के ना तो इधर दरवाजे भी लगे हुए हैं, ना रोशनदान भी वैसे ही है, जिस कमरे में ये सोए हुए थे उसका सिर्फ दरवाजा था, बाकी तो वैसे ही है। अच्छा, ये जो मुलजिम है इस पे जो पहले FIR हैं वो तमाम में चलान हुआ है? हाँ जी चलान हुआ है। अच्छा फयाज साहब, ये साउंड माइंड है मुलजिम? हाँ जी बिल्कुल साउंड माइंड है, बिल्कुल इसके हर हवाले से ठीक है, ये फिजिकली भी ठीक है, मेंटली भी ठीक है, बिल्कुल गुंडागर्दी का शौक? हाँ बिल्कुल, ये एक डॉन बना हुआ था इधर ना, लोग इससे डरते थे। अले कत्ल आपने बरामद कर? हाँ जी हो गया था। अच्छा, आपने इसे गिरफ्तार किस वक्त किया और कैसे किया? क्या ये फरार हो गया था? हाँ जी, तो सीन से तो फरार हो गया था, फिर फौरी हमने जो एक्ट किया है उसी वजह से ये काबू में आ गया। ठीक है, और आपने जब इंटरोगेट किया तो इसने रीजन कोई और भी बताई कि सिर्फ इसको ये गुस्सा था कि मैं जिस जगह पे बाहर उठना बैठना चाहता था वहाँ इन्होंने अपना मलबा रख दिया था? बस बेसिकली यही मलबे वाली बात है, और कोई बात नहीं? और नहीं कोई बात, अंदर से किसी किस्म की कोई बात? कोई ऐसी इशू नहीं, क्योंकि इसके बाद इस बात को बहुत सारे रंग दिए गए, किसी ने, क्योंकि ये माइनॉरिटी वर्सेस मुस्लिम कम्युनिटी का मामला था तो लोगों ने बहुत उल्टे सीधे रंग भी दिए होंगे इसको। हां बिल्कुल, आपने इंटरोगेट किया, ऐसी कोई बात नहीं थी, हर एंगल से किया है, यही बात है। ठीक, जैसे कि फयाज साहब ने भी बताया कि मैंने इन्वेस्टिगेट कर लिया सारा मामला, हकायक जो हैं वो आपके सामने रख दिए गए हैं, लेकिन मुलजम यहाँ पर क्या बताता है वो भी आपके सामने रखेंगे। मुदई फैमिली का रुख करेंगे और उसके बाद आपको थाने लिए चले। नाजरीन, इस वक्त मुदई फैमिली मेरे साथ मौजूद है। ये वो बेबस माँ बाप हैं जिनकी आंखों के सामने इनके जवान बेटे को लहूलुहान किया गया, तड़पा तड़पा कर आखिर मार दिया गया। उस दिन क्या हुआ था, वो शख्स जिसको ये जानते नहीं थे, कोई दुश्मनी नहीं थी, वो इनके घर में दाखिल होके रात के पिछले पहर इनके सामने इनके बेटे को गोलियों से छलनी कर देता है। मुझे बेहद अफसोस है आपके बेटे का, मेरे इदारे की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, तमाम देखने वालों की तरफ से, हम सब आपके साथ गमजदा भी हैं, और हमसे जो बन पड़ा, हम हमारी हैसियत के मुताबिक, जो कानून हमें इजाज़त देता रहा, हम आपके साथ आपकी पुकार बनते रहेंगे। आप आई विटनेस भी हैं, क्या हुआ था उस दिन? मैडम ये हुआ था कि 2 दिन पहले ना, ये वारदात से 2 दिन पहले वो आदमी आया है, वो इधर पहाड़ के नीचे ना हमारी थोड़ी सी जगह है, ये सामने जो दरख्त जी, है जी, सामने वाला दरख्त, ठीक है, पहले भी उसने इधर ना कब्जा किया था, मिट्टी डलवाई थी, ट्रालियाँ मंगवा के ना मिट्टी वो इधर डलवाई थी, फिर भी हम खामोश रहे, कोई बात नहीं जी, ये कब्जा कर भी लेगा तो कोई बात नहीं, खामोश रहे। अभी मैंने ना रिसेंटली थोड़ी देर पहले ये मकान शुरू किए थे, अंडर कंस्ट्रक्शन आपका घर जी, वो जो पुराना मटेरियल था ना वो हम बाहर फेंकते गए, थोड़ी सी जगह मलबा उर्फे आम में जिसको हम कहते हैं, जी वो मलबा बाहर फेंका, इसने हमें कुछ नहीं कहा, खामोश रहे। ये इसी मोहल्ले में रहता है ये भी? नहीं, वो ये तो इसका तो कंसर्न ही नहीं है फिर इस चीज से। ये मैडम दरिंदा इंसान, पहले भी, आज की उस दिन की बात नहीं, उससे पहले भी 1 महीना 2 महीने ये इधर आता था हमारे मोहल्ले में, क्रिश्चियन कम्युनिटी को इतनी गालियां निकालता था, दरवाजे तोड़ता था, किसी को पकड़ के लड़कियों को इधर उधर ले जाता था, तंग करता था, बहुत तंग करता था, लेकिन हम फिर भी मारे शर्म के ना खामोश थे। कभी पुलिस में रिपोर्ट किया आप लोगों ने? नहीं, डरते ही नहीं करते थे, इस चीज से डरते नहीं करते थे। आपके बेटे से इसकी क्या दुश्मनी थी, वो कहाँ सुनी हुई? आपने मलबा बाहर फेंका, वो जगह कब्जा करना चाहता था, मलबा बाहर फेंका, एक दिन बेटा ना बाहर खड़ा था, इस इंसिडेंट से 2 दिन पहले, कत्ल से 2 दिन पहले बेटा बाहर खड़ा था, उसने कहा था कि ये
जो आपने ईंटें इधर फेंकी हैं ना वो उठा लो, उस वो नहीं बोला, वो पूछ रहा है। तो वो घर आ गया, उसके दो दिन बाद ये दरवाजे से ऊपर चढ़े, बीवी की ना जाग हाँ खुल गई, आपकी मिसेस की जी। अच्छा, उसने देखा कि रोशनदान में कोई बैठा हुआ है, रोशनदान में बैठा हुआ है। हमें इसका पता भी आता जाता है रोजाना इधर, इसकी ना चीखे निकली, चीखों की आवाज सुन के ना वो बेटा भी जा गया और मैं भी। बेटा जल्दी से ना इस दरवाजे की तरफ आया है, जो ही वो दरवाजे की तरफ लपके है बेटा, इसने ऊपर से ना छूट कर दिया। कितने फायर मारे? 3 फायर इसने किए थे, एक इसका वो कान का पर्दा ना इधर से ये फट के। आपके सामने ये सब हो रहा जी? मेरे हमारे दोनों के सामने। फिर बच्चा नीचे गिरा है, तड़पता रहा है, पानी भी नहीं उसने हमें पिलाने दिया। फिर वो पौना घंटा इधर बैठा रहा कि जब तक ये मरेगा नहीं मैं इधर से नहीं जाऊंगा। फिर वो मेरी बीवी को कहने लगा, अपने बंदे को कह के ऊपर चला जाए छत पे, फिर मैं निकलूंगा। फिर मैं नहीं मान रहा था, कहने लगा। कितनी देर तक ये आप लोगों की आपस में जो है वो बातें चलती रही, वो रोशनदान में बैठ के आपको थ्रेट करता? तकरीबन पौना घंटा। तब तक आपका बच्चा सांसें ले रहा था? पहले उसने एक दफा उसने मुझे कहा है, आखिरी उसके ये अल्फाज थे कि पापा जी आप छत पे चले जाए, मैं ठीक हूँ। मैं मैडम फिर ऊपर गया हूँ छत पे, फिर वो बेगम मेरी को ना इसके सार पे उसने पिस्टल रखा हुआ था, इसको वो भाइयों को उसने अंदर कमरे में कर दिया, इसको लेके तो वो बाहर गेट सेल्फ डिफेंस के तौर पे जी साथ लेके गया है जी जी। हाँ, इसके उसने पिस्टल रखा हुआ था सर पे, कनपट्टी पे जी, आगे आगे लेके इसको जा रहा था। फिर इसने ताला खोला है, वो दरवाजे से बाहर गया है, बाहर उसकी ना बाइक खड़ी थी और वो फरार हो गया जी, उधर फायर करता। हमारे साथ यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद हैं, जो स्पॉट पे आए, मौके पे उन्होंने सब कुछ देखा। मैं चाहूँगी कि उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करूँ। अयाज साहब, आप मौके पे आए, आपने उस वक्त क्या देखा? यहाँ पर चारपाई मौजूद थी, क्या सीन था? डेड बॉडी थी या बच्चे की सांसें थी अभी? नहीं, वो एक्सपायर हो गया था। अच्छा। उसको हमने फिर शिफ्ट किया है, PFSA वालों को बुलाया है, जो भी इधर से हमें शवाहद मिले हैं, ये इधर से 3 हॉल मिले हैं हमें पिस्टल 30 बोर के, इसके अलावा जो ब्लड वगैरह है वो हमने सामना सिक्योर किया है, और डेड बॉडी को उधर हॉस्पिटल में पहुँचाया है, पोस्टमार्टम उसका करवाया है। अच्छा अच्छा, फयाज साहब मुझे एक और चीज़ भी बताइएगा कि ये कोई पुरानी दुश्मनी है, ये बंदा 8 FIR है इसके ऊपर जो मुलजम है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ये ना 2 दिन पहले ना इसका घर के बाहर ही ना, इस घर के बाहर इनकी कोई जगह है, उधर इन्होंने ना जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे मकान की, कुछ मटेरियल मलबा वगैरह था उधर फेंका हुआ था, उसी वजह से उसके साथ कोई ना थोड़ी सी ना तू तकरार हुई है मकतूल के साथ, इसी के जहन में वही चीज थी। इसने फिर क्योंकि घर के ना तो इधर दरवाजे भी लगे हुए हैं, ना रोशनदान भी वैसे ही हैं, जिस कमरे में ये सोए हुए थे उसका सिर्फ दरवाजा था।